अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं जुलेखा अरफात जुलेखा's किचन से। तो चलिए आज क्या बनाते हैं। आज मैं बना रही हूँ सफ़ेद यानी वाइट चिकन कढ़ाई। आप कह सकते हैं वाइट चिकन कढ़ाई, कढ़ाई में पक रही है तो कढ़ाई ही कहेंगे, आपने जो कहना है कहिए, लेकिन बहुत ही बढ़िया टेस्टी लजीज बनती, घर के हाजिर मसालों से बन जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए, ये है 750 ग्राम्स चिकन, हड्डियों के साथ है, चर्बी निकाली हुई है। दो तीन पानी से धो के 10-15 मिनट के लिए मैंने साइड पर नितारने रख दिया था। जब 10-15 मिनट हो गई तो एक बड़े से बर्तन में डाल दीजिए और छुरी की मदद से इस तरीके से उसमें स्लिट तक कर दीजिए, सो दैट मसाला थोड़ा अंदर तक जाए। इसमें मैं डाल देती हूँ 1 छोटे चाय का चम्मच नमक, आधा छोटे चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटे चाय का चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून नींबू का रस। अगर नींबू का रस ना हो तो आप विनेगर भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करने साइड पर रख दीजिए। तब तक हम सारे दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। ये है एक बड़ी साइज की प्याज, इसे मैंने रफली काट लिया है। अगर बड़ी ना हो तो 2 मीडियम साइज की भी ले सकते हैं आप। ये बहुत बड़ी थी तो इसे मैंने मिक्सर जार के अंदर बिना पानी डाल के पीस लिया और इसे साइड पर रख दीजिए। एक कढ़ाई का चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए, उस पर तेल डाल दीजिए अपने स्वाद अनुसार। मैं यहाँ 2 तेजपत्ता, 3 हरी इलायची और 3-4 काली मिरी डाल देती हूँ। थोड़ा सा तरतरा जाने दीजिए। जब तरतरा जाए तो प्याज जो हमने पीस कर रखी है वो सारी डाल दीजिए। मैं चूल्हा बार बार स्लो मीडियम करती रहूँगी क्योंकि मेरी लोखंड की, आप मीडियम पर ही रखिएगा। सारा निकाल लें आप प्याज को। तो इसमें है ना, मैं अभी इसके साथ ही डाल देती हूँ 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। वैसे ये घर में बना हुआ है, इसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इसे मीडियम आंच कर कर इसे बहुत अच्छे से 4-5 मिनट तक भून लीजिए, बार बार चलाते रहें। साइड बाय साइड हम एक और प्रिपरेशन कर लेते हैं। जब तक प्याज भुना रही, वही सेम ये लीजिए मिक्सर जार, इसके अंदर डाल दीजिए 3 हरी मिर्चियाँ मैं डाल रही हूँ, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तकरीबन 17 काजू डाल रही हूँ, क्योंकि छोटे थे, आपके बड़े हों तो 7 से 8 डालिएगा काजू। 1 टेबलस्पून जितना कोतमीर यानी कि हरा धनिया धोकर डाल दीजिए। ये 1 कप मैंने बाज़ार की मलाई ली है, फ्रेश क्रीम। आप चाहें तो घर की जो दूध के ऊपर की मलाई रहती है ना, वो निकाल कर वो इसमें 1 कप डाल दीजिएगा, दूध मत डालिएगा। और इसे बहुत अच्छे से पीस कर इसे साइड पर रख दीजिए। चलिए, प्याज भून चुकी है, तकरीबन 3-4 मिनट हो चुके हैं प्याज को होकर। तो यहाँ पर मैं ये जो सारी जो चिकन रखी थी हमने मैरिनेट करके, वो सारी डाल दीजिए। अच्छा, मैरिनेशन के लिए आप चाहें तो ढक कर फ्रिज में भी रख सकते हैं। हाँ, चलिए ये सारी चिकन डाल दीजिए, मसाले के साथ डालिएगा, कोई भी चीज़ रह ना जाए, चीज़ें बड़ी महंगी आती हैं। तो ये सारा डाल के इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मीडियम आंच पर चूल्हे को रख कर ये जो चिकन है ना, इसे फ्राई कीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, तब तक। चलिए, कुछ देर में तो ये देखिए कलर चेंज हो जाता है, कुछ मिनटों में। तो यहाँ पर डाल दीजिए तकरीबन 150 ग्राम्स दही और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चूल्हा मीडियम पर ही रहने दीजिए और ये दही डालने के बाद भी ना भून लीजिए दही को, समझिए ना। इसे भी 3-4 मिनट तक ही भूनिए, बीच बीच में लगे तो चलाने जैसा चला लीजिएगा चम्मच से। 3-4 मिनट हो चुकी है मीडियम आंच पर, बार बार मैं चला भी रही थी बीच बीच में। आप देख सकते हैं दही अच्छे से भुना गई है और तेल ऊपर छूटने लगा है। बस तेल ऊपर छूटने लगे तक ही वेट करना था। तो अब हमने ये जो साइड पर बनाकर रखा था पेस्ट, इसका काजू वगैरह का, वो डाल दीजिए सारा और मिक्सर जार के अंदर से भी सारा लेके डालिएगा, कुछ भी चीज़ रह ना जाए। पहले मैंने चूल्हा स्लो कर दिया था, आप चाहे तो मीडियम पर ही रहने दे सकते हैं। एक बार मिक्स कर लीजिए, फिर मैं चूल्हा मीडियम पर कर रही हूँ। और इसमें डाल दीजिए 3/4 छोटे चाय का चम्मच कसूरी मेथी, हाथों की मदद से क्रश कर कर डाल दीजिएगा। एक बार मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पर यह है कि आपको ग्रेवी ज़्यादा नहीं चाहिए तो ढक कर इसे दम पर स्लो आंच पर पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक तेल नहीं छूट जाता और ये चिकन भी नहीं हो जाती। बट मुझे ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो यहाँ मैंने आधा कप पानी डाला है, उसके अंदर मिक्सर जार के अंदर डाल कर इसमें चला कर डाल दिया। चूल्हा फिर से मैंने मीडियम आँच कर दिया और इसे 1-2 उबाल खिला लीजिए। जब 1 उबाल आ जाता है तो इसमें अगर आप नमक भी चख लीजिए, अगर कम लगे तो थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिए और इसे बीच बीच में चलाते रहिए। जब 1 उबाल आ जाता है तो चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच और इसे ढक कर तकरीबन 15-20 मिनट पकने दीजिए, या तब तक पकाएं जब तक चिकन नहीं हो जाती और ऊपर तेल नहीं छूट जाता, तब तक इसे पकने दीजिए। चलिए स्लो आंच पर तकरीबन 20 मिनट हो चुकी है और ये देख लीजिए एकदम तेल छूट चुका है माशाल्लाह और बढ़िया सी चिकन तो हो ही चुकी है। और बस इसमें अब आप डाल दीजिए बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया। और मैं है ना वो जो फीकी ज़्यादा स्पाइसी मिर्ची नहीं आती वो थोड़ी सी डाल देती हूँ ऊपर मोटी मोटी काट कर। और बस ये रेडी हो गया आपका सर्व करने के लिए। इसे गर्मा गर्म आप रोटी पराठा फुल्का बटर नान किसी के साथ भी सर्व कीजिए। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो है ना मज़ेदार रेसिपी आज की, बहुत ही मज़ीज़ और क्विक और इजी भी बन जाती है जैसे आपने देखा। ज़रूर बनाइएगा, अगर आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगे ये वाली रेसिपी तो एक लाइक भी कर दीजिए ये वाली वीडियो को। और उससे ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड ग्रुप्स में या कहीं पर लिंक्स मेरे ये वाले वीडियो के ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।